इसका दूध भी प्रिया है, तो नीचे आना। अरे यार भाई की चिट्ठी पढ़ूंगा तो मेरी ही आंखें फूट जाएंगी। देखिए आप बेशक काम करिए बेशक काटिए गम। व्रजेश हिरजी, हो सकता है इस नाम से आप वाकिफ ना हो, लेकिन इनका चेहरा आपके लिए जरूर जाना पहचाना होगा। हिंदी सिनेमा में पिछले कई सालों से ये अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसा रहे हैं। किसी किसी फिल्म में इन्होंने दर्शकों को रुलाया भी है। ये ज़्यादातर फिल्मों में हीरो हीरोइन के दोस्त के रोल में नज़र आते थे, लेकिन यही रोल निभाकर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। किस्सा टीवी आज अभिनेता व्रजेश हिरजी के जीवन की कहानी आपको बताएगा। टीवी से करियर की शुरुआत करने वाले व्रजेश हिरजी का अभिनय करियर कैसे शुरू हुआ और अब व्रजेश हिरजी फिल्मों से दूर क्यों हो गए, आज ये सारी कहानी हम और आप जानेंगे। व्रजेश हिरजी का जन्म 16 जून 1971 को मुंबई में रहने वाले एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनकी स्कूली पढ़ाई सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से हुई। स्कूल के बाद इन्होंने एचआर कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने कानून की पढ़ाई की। व्रजेश स्कूल और कॉलेजों में होने वाले नाटकों में हिस्सा ज़रूर लेते थे, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाज़ा ज़रा भी नहीं था कि एक दिन इनकी किस्मत इन्हें प्रोफेशनल एक्टर बना देगी। लॉ की पढ़ाई के आखिरी साल में ही इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। लगभग एक साल तक यहाँ नौकरी करने के बाद व्रजेश ने एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि कुछ महीनों बाद ही इन्हें अंदाजा हो गया कि फाइनेंस का फील्ड उनके लिए है ही नहीं, इसलिए इन्होंने लगभग 8 महीने के बाद ये नौकरी भी छोड़ दी। फाइनेंस की अपनी वो नौकरी छोड़ने के बाद व्रजेश ने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में एज ए कॉपी एडिटर काम करना शुरू कर दिया और इत्तेफाक से यही वो जगह भी रही जहां से प्रोफेशनल एक्टिंग को सीरियसली लेने की प्रेरणा इन्हें मिली। व्रजेश नौकरी जरूर कर रहे थे, लेकिन वक्त मिलने पर वो थिएटर में भी काम किया करते थे। हालांकि थिएटर में इनका काम करना केवल शौकियाना ही था, खाली वक्त में ये थिएटर कर लेते थे। दूर दूर तक इन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन इनकी किस्मत इन्हें फिल्मी दुनिया तक खींच लाएगी। एक दिन पृथ्वी थिएटर में ये किसी नाटक में काम कर रहे थे कि इन पर नजर पड़ी मशहूर और मारूफ एक्टर रवि बासवानी की। व्रजेश का एक्टिंग स्टाइल रवि बासवानी को बड़ा पसंद आया। रवि इनसे मिले और उन्होंने पूछा कि क्या ये फुल टाइम एक्टर बनेंगे। इन्होंने जब आनाकानी की तो रवि बासवानी ने कहा कि पार्ट टाइम एक्टिंग करके तुम बस अपना वक्त जाया कर रहे हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए और कुछ नहीं। रवि की इन बातों ने व्रजेश के मन पर गहरा असर किया, वो एक्टिंग को गंभीरता से लेने लगे। रवि बासवानी ने व्रजेश को एक टीवी शो में काम दिला दिया। 24 साल के नौजवान व्रजेश को उस टीवी शो में एक 70 साल के बूढ़े डिटेक्टिव का किरदार दिया गया। मशहूर अभिनेता मनोज पाहवा उस नाटक में इनके बेटे बने थे, लेकिन इनकी किस्मत जरा खराब रही और जिस टीवी चैनल पर वो शो ब्रॉडकास्ट होना था वो कभी भी ऑन एयर नहीं हो पाया। इस तरह जिंदगी का इनका पहला प्रोफेशनल एक्टिंग प्रोजेक्ट कभी रिलीज नहीं हो सका और ना ही उसे कोई देख पाया। अब इन दोनों के बचपन से इन दोनों के खानदान अच्छे दोस्त फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये दोनों मंगेतर हैं। व्रजेश नौकरी छोड़ चुके थे। एक्टिंग का पहला प्रोजेक्ट असफल होने के बाद अब वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके थे। धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। उनके घर वाले भी उनसे अक्सर नाराज रहने लगे। घर वालों को लगा कि एक्टिंग के चक्कर में उनका बेटा अपना जीवन खराब कर रहा है। लगभग 6 महीनों तक व्रजेश घर पर खाली बैठे रहे। एक दिन अचानक इनके दोस्त अमित बहल इनसे मुलाकात करने इनके घर आए। अमित बहल थिएटर के दिनों से ही इनके दोस्त थे और वो उन दिनों शांति नाम के दूरदर्शन के एक लोकप्रिय शो में काम कर रहे थे। शांति शो के डायरेक्टर को अपने एक दूसरे शो के लिए किसी ऐसे लड़के की तलाश थी जो कद में छोटा हो,
देखने में दुबला पतला हो लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का हो। अमित बहल ने तुरंत डायरेक्टर को ब्रजेश हिरजी का नाम सुझाया। डायरेक्टर ने ब्रजेश को मिलने के लिए बुलाया। उसी डायरेक्टर का बुलावा देने के लिए अमित बहल उस दिन ब्रजेश के घर आए थे। अमित बहल से उस मुलाकात के बाद ब्रजेश अगले दिन डायरेक्टर के ऑफिस पहुंच गए। डायरेक्टर ने उनका ऑडिशन लिया और इस तरह ब्रजेश हिरजी साल 1995 में जी टीवी पर टेलीकास्ट हुए कॉमेडी शो सॉरी मेरी लोरी में पहली दफा नजर आए। लगभग एक साल तक चला वो शो, काफी पसंद किया गया था और उस शो में ब्रजेश को गुड्डी मारुति और संजय मिश्रा जैसे मंजे हुए एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। इसी शो के बाद ब्रजेश की गाड़ी चल निकली। टीवी की दुनिया में ब्रजेश ठीक ठाक पहचान बना चुके थे लेकिन अभी भी फिल्मी पारी शुरू होने में थोड़ा वक्त था। साल 1998 में रिलीज हुई सच अ लॉन्ग जर्नी नाम की एक इंडो कनेडियन फिल्म में पहली दफा ब्रजेश को सिल्वर स्क्रीन पर आने का मौका मिला। इस फिल्म में ब्रजेश के किरदार का नाम सोहराब था। इस फिल्म की तो काफी चर्चा हुई थी लेकिन ब्रजेश पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। दो साल बाद यानी साल 2000 में ये हॉरर फिल्म दहशत में दिखे मगर इस दफा भी ब्रजेश को कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन इसी साल रिलीज हुई इनकी दूसरी फिल्म ने इन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय कर दिया। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म ने जहां ऋतिक रोशन को सुपरस्टार बनाया तो वहीं ब्रजेश हिरजी को भी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि खुद ऋतिक रोशन ने ब्रजेश हिरजी को अपनी फिल्म कहो ना प्यार है में काम दिलाया था। ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल ब्रजेश हिरजी ऑल द बेस्ट नाम के एक स्टेज प्ले का हिस्सा थे। लगभग 10 सालों तक ब्रजेश ने वो नाटक स्टेज पर प्ले किया। बकौल ब्रजेश वो नाटक बेहद मुश्किल था। उसमें महज 4 किरदार थे। फिरोज खान साहब उस नाटक के प्रोड्यूसर थे। उस नाटक में मेरा किरदार बहरा था। उस नाटक के एक या दो शो करने के बाद ही जाने कैसे मेरे गले में छाले पड़ने लगे। साथ ही रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में भी परेशानी आने लगी। परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि उस नाटक के हर शो के बाद मेरा गला बैठ जाता और मेरी कमर में भयंकर दर्द होने लगा। मैंने काफी इलाज कराया लेकिन कोई भी डॉक्टर ये पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर मुझे बीमारी क्या हुई है। मैं अकेले में रोता था। कमर की परेशानी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जब मैं स्टेज पर शो करता था हमेशा एक टायर लिए रहता था। शो के दौरान जब मुझे बैठना होता था तो मैं जमीन पर ना बैठकर उस टायर पर बैठता था। कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि नाटक छोड़ो और कुछ दिन अपना इलाज कराओ लेकिन मैं नहीं माना। मुझे पता था कि अगर अभी ये नाटक छोड़ दिया तो फिर शायद दोबारा कभी एक्टिंग करने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। इत्तेफाक से एक दिन ब्रजेश हिरजी का वो नाटक देखने ऋतिक रोशन अपनी मम्मी के साथ आए थे। ऋतिक को इनकी परफॉर्मेंस बेहद पसंद आई। नाटक खत्म होने के बाद ऋतिक ने घर जाकर अपने पिता राकेश रोशन को इनके बारे में बताया और उनसे कहा कि फिल्म कहो ना प्यार है में टोनी का रोल इस लड़के को दिया जाना चाहिए। बेटे की बात मानते हुए राकेश रोशन ने एक दिन ब्रजेश को बुलाया और उनका ऑडिशन लिया। आखिरकार ब्रजेश को कहो ना प्यार है के टोनी के रोल के लिए चुन लिया गया और हम सभी जानते हैं कि वो रोल कितना एंटरटेनिंग था। ब्रजेश हमेशा से ही जॉनी लीवर के बहुत बड़े फैन रहे हैं। खुद को उनका भक्त बताते हैं। ब्रजेश कहते हैं कि ये जॉनी लीवर ही थे जिन्हें देखकर उन्होंने कॉमेडी करना शुरू किया। लेकिन जब काफी वक्त तक वो टेलीविजन पर और फिल्मों में लगातार कॉमेडी करते जा रहे थे तो एक वक्त ऐसा भी आया जब ब्रजेश कॉमेडी से बोर होने लगे। पैसों की खातिर ये कॉमेडी कर तो रहे थे लेकिन अपने किरदारों से ये नाखुश रहते थे। ये उदास रहने लगे। एक दिन अपने दोस्तों के साथ ये एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। इत्तेफाक से वहीं पर इन्हें जॉनी लीवर भी मिल गए। ये जॉनी लीवर के गले लग गए। चूंकि अब तक ये जॉनी लीवर के साथ कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे तो वो भी इन्हें अच्छी तरह से पहचानते थे। बातचीत के दौरान जॉनी लीवर ने इनसे पूछा कि ये उदास क्यों है। तब ये जॉनी लीवर से बोले, जॉनी भाई
मैं कॉमेडी करके बोर हो चुका हूँ। हर कोई मुझे कॉमिक रोल ही देता है। मैं और भी तरह के किरदार निभाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कोई मौका ही नहीं देता। ब्रिजेश की ये बात सुनकर जॉनी लीवर को बहुत बुरा लगा। जॉनी ब्रिजेश पर बुरी तरह भड़क गए, इतनी बुरी तरह कि खुद जॉनी की आंखों में आंसू आ गए। जॉनी ने ब्रिजेश को खूब डांटा, खूब भला बुरा कहा। ब्रिजेश का कॉमेडी को कमतर आंकना जॉनी को जरा भी पसंद नहीं आया था। कुछ देर बाद जब जॉनी लीवर का गुस्सा शांत हुआ तो वो ब्रिजेश से बोले, भगवान ने तुम्हें वो हुनर दिया है जिससे तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, और तुम इस हुनर को छोड़ने की बात कहते हो। सपने में भी ऐसी बात फिर कभी मत सोचना। उस दिन जॉनी लीवर का दिया वो ज्ञान ब्रिजेश फिर कभी नहीं भूले। ब्रिजेश ने अपने करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया है। इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये तुम बिन, अक्स, रहना है तेरे दिल में, कुछ तो है, मुस्कान, कृष्णा कॉटेज, फना, सलाम इश्क, गोलमाल, हे बेबी, गोलमाल रिटर्न्स, अपना सपना मनी मनी, गोलमाल 3, जोकर, क्रिस 3, संता बंता प्राइवेट लिमिटेड और गोलमाल अगेन जैसी फिल्मों में नजर आए। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी मंगल हो, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। उसके बाद से ही ये किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। ब्रिजेश कहते हैं कि अब उन्हें फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिल रहा है। बात अगर छोटे पर्दे की करें तो ये है मुंबई मेरी जान, जस्सी जैसी कोई नहीं, दम दमादम, श्री आदि मानव, भाई भैया और ब्रदर व पार्टनर ट्रबल हो गई डबल जैसे शोज में इन्होंने अपनी कॉमेडी का जलवा बिखेरा। रियलिटी शो बिग बॉस के 6 सीजन में भी ये नजर आए थे, हालांकि उस सीजन में 62वें दिन ये एलिमिनेट हो गए थे। बात अगर ब्रिजेश हिरजी की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने टीवी अभिनेत्री रोहिणी बनर्जी से शादी की है। साल 2015 में इनकी और रोहिणी बनर्जी की शादी बंगाली रीति रिवाज के साथ हुई थी। रोहिणी और इनका एक बेटा है। इनकी बहन पुष्टि शक्ति भी अभिनेत्री रह चुकी है। उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। हालांकि अब इनकी बहन पुष्टि शक्ति एक्टिंग पूरी तरह से छोड़ चुकी हैं। ब्रिजेश हिरजी इन दिनों खुद को बेरोजगार कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास अब अच्छे ऑफर्स नहीं आते हैं। जो कुछ ऑफर्स उनके पास आते हैं वो या तो बी ग्रेड फिल्मों के होते हैं या फिर बकवास होते हैं। बकौल ब्रिजेश, वो अपने किरदारों के साथ समझौता कभी नहीं करेंगे, फिर चाहे उन्हें काम मिले या फिर ना मिले। किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इतने शानदार कॉमेडियन को बॉलीवुड यूं ही भुला ना दे और ब्रिजेश को फिर से बढ़िया बढ़िया रोल मिले। ब्रिजेश ने हिंदी सिनेमा में जो योगदान दिया है उसके लिए किस्सा टीवी उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, धुत बिछाए बैठ शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से।